मंदिर को अधिग्रहण करने के लिए जो कायदा बनाने का तय किया है और अंधश्रद्धा के नाम पर इस देश में एक नए तरह की अंधश्रद्धा पैदा करने का एक अभिक्रम शुरू किया है, इन दो विषयों पर हम सब बात करने के लिए यहां आए। हम सब बैठकर इस पर विचार करें और क्या हो सकता है इस दृष्टि से कुछ इसमें से मार्ग निकले, वो आज की इस बैठक का उद्देश्य है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम की एक संस्था काम करती है महाराष्ट्र राज्य में और ये संस्था मेरी जानकारी में पिछले 15-20 वर्षों से काम करती है। इस संस्था के प्रमुख हैं, जिनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, और डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के साथ बहुत बार मुझे संवाद करने का मौका मिला है। उनके घर में रहकर मैंने कई बार उनसे संवाद किया है, आमने सामने कई बार मेरी उनसे बात हुई है और इस संवाद में से मैंने जानने की कोशिश की है कि ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो बनाई आपने, इसका उद्देश्य क्या है। तो वो बोलते हैं कि अपने समाज में जो अंधश्रद्धा फैली हुई है उसको समाप्त करना इसका उद्देश्य है। इस समिति का रजिस्ट्रेशन है भारत सरकार के जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके आधार पर यह संस्था चलती है। जब मैंने उनसे संवाद किया तो मैंने उनसे पूछा कि ये अंधश्रद्धा का सीमा कहां है, किस बात को आप श्रद्धा कहेंगे और कौन सी बात आप अंधश्रद्धा में मानेंगे, इसकी कोई सीमा रेखा है क्या। तो वो कहते हैं कि जो भी काम वैज्ञानिक है, ऐसा वो बोलते हैं, जो भी कार्य वैज्ञानिक है वो श्रद्धा है और जो अवैज्ञानिक है वो अंधश्रद्धा है। फिर मैंने एक दिन थोड़ा आगे उनसे संवाद किया कि वैज्ञानिक है कि नहीं इसकी परिभाषा क्या है, किस कार्य को आप बोलते हैं कि ये वैज्ञानिक है और किस कार्य को आप बोलते हैं ये अवैज्ञानिक है। तो उन्होंने कहा कि आज की जो आधुनिक विज्ञान की परिभाषा है उसके हिसाब से वो तय करते हैं कि ये वैज्ञानिक है या अवैज्ञानिक है। तो मैंने उनसे कहा कि आधुनिक विज्ञान तो यूरोप से आया, अमेरिका से आया, इसका मतलब ये हुआ कि यूरोप और अमेरिका में जो चीज वैज्ञानिक है वही भारत में वैज्ञानिक है और यूरोप और अमेरिका में जो चीज अवैज्ञानिक है वो भारत में अवैज्ञानिक है, यही मतलब है। तो दाभोलकर जी ने कहा हाँ यही मतलब है। इसका मतलब मैंने कहा कि अमेरिका से अगर ये वैज्ञानिक होना न होने का प्रमाण पत्र आप लेते हैं उसके आधार पर भारत में काम करते हैं तो इस काम की भारत में जरूरत है या अमेरिका में जरूरत है। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर विचार अमेरिका से आपने ले लिया वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक होने का तो पैसा कहां से लाएंगे, भारत में तो कोई आपको पैसा देगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमने FCRA ले रखा है, FCRA एक कानून है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट करके, इसके तहत हमने एक सर्टिफिकेट ले रखा है, उस सर्टिफिकेट के आधार पर हमको अमेरिका से काफी पैसा आ जाता है। अभी मैं आपके ध्यान में ये बात लाना चाहता हूं कि अमेरिका से आए हुए पैसे पर महाराष्ट्र राज्य में एक संस्था काम कर रही है जिसका नाम है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिसके प्रमुख डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, वो मैं आपसे कह रहा हूं कि कई बार संवाद करने से उन्होंने ये बता दिया कि पैसा अमेरिका से आता है, विचार भी अमेरिका से आता है, तो भारत में और महाराष्ट्र में उनका अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम चलता रहता है। अब आप जरा समझ लीजिए कि अमेरिका से कोई पैसा क्यों देगा, भारत में अगर कोई आदमी काम करता है तो अमेरिका में रहने वाला कोई उसको पैसे क्यों देगा।
इसको जरा समझने की कोशिश करें। तो आप कहेंगे कि उसमें दया प्रेम करुणा का भाव है। अगर अमेरिका में रहने वाले को दया प्रेम करुणा का भाव है तो सबसे पहले उसके अपने पड़ोसी के प्रति होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में भयंकर अंधश्रद्धा है, यूरोप में उससे भी ज्यादा है। अमेरिका और यूरोप में जितनी अंधश्रद्धा है उसकी कल्पना आप यहां बैठकर नहीं कर सकते। आपको मालूम है अमेरिका में कैसी अंधश्रद्धा है, यूरोप में कैसी अंधश्रद्धा है। वहां कोई चर्च का व्यक्ति कोई बड़ी सभा करता है और उस बड़ी सभा में एक एक करके लोगों को मंच पे बुलाया जाता है और उन लोगों से पूछा जाता है कि आप बताइए कि जब से आपने ईसाई धर्म का पालन शुरू किया है आपको क्या लाभ हुआ है। तो लोग टेप रिकॉर्डर की तरह से चालू हो जाते हैं और बोलना शुरू करते हैं कि मैंने जब ईसाई धर्म का पालन किया उसके पहले मैं लंगड़ा था, मेरा पांव नहीं चलता था। जिस दिन मैंने ईसाई धर्म का पालन किया और वो चर्च से लाया हुआ पानी मेरे मुंह में डाला गया उसी दिन से मेरा पांव ठीक हो गया। फिर एक दूसरा खड़ा हो जाएगा, कहेगा मुझे ब्रेन ट्यूमर था, भयंकर ट्यूमर था, डॉक्टर ने मरने के लिए बोल दिया था। मैं जिस दिन चर्च में आया और पहली बार मैंने चर्च का पानी पिया उसी दिन से मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। फिर तीसरा कोई खड़ा हो जाएगा कि मैं 20 साल से नपुंसक था, मुझे बच्चा ही पैदा नहीं होता था, मैं चर्च में आया, मैंने पानी पिया, मुझे बच्चा पैदा हो गया। फिर एक चौथा खड़ा हो जाएगा। फिर आप देखेंगे ये सिलसिला घंटों घंटों अमेरिका में चलता रहता है और अमेरिका से ज्यादा ये यूरोप में चलता रहता है। तो मैंने एक बार डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर को पूछा कि ये क्या है, आप तो डॉक्टर हैं, MBBS हैं, चर्च के मंच पर खड़े होकर कोई आदमी कह रहा है कि मैंने चर्च में ईसा मसीह की मूर्ति पर डाला हुआ पानी पी लिया तो मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया, कोई कहता है मैं लंगड़ा था मेरा लंगड़ापन ठीक हो गया, कोई कहता है मुझे बच्चे हो गए, कोई कहता है मैं कैंसर से ठीक हो गया, कोई कहता है कि मैं मरने वाला था यीशु ने मुझे बचा लिया, इसको क्या कहेंगे? विज्ञान की भाषा में आप जरा बताइए इसको क्या कहेंगे? तो नरेंद्र दाभोलकर एकदम चुप हो जाते हैं। वो धीरे से कहते हैं कि ईसाई समाज जो करता है वो सब श्रद्धा है। और हिंदू समाज जो करता है वो सब अंधश्रद्धा है। फिर एक बार मैं उनको ले गया पकड़ के, वो रहते हैं सतारा में, नरेंद्र दाभोलकर का जो घर है वो सतारा में है। मैं एक बार उनको पकड़ के ले गया जबरदस्ती मेरे साथ। सतारा से कराड जाने वाला एक रोड है, उस रोड पर छोटा सा एक गांव है, वहां पर एक मजार है, इस्लाम को मानने वालों की मजार है। तो वहां पर एक फकीर बैठता है, तो वो फकीर के बारे में सारे आसपास के गांव में ये चर्चा है कि जो उसके पास चला जाए उसको वो ताबीज देता है और वो ताबीज बांधो तो सब ठीक हो जाता है। जो व्यक्ति रोडपति है वो करोड़पति हो जाता है, जिसकी टांगे नहीं चलती है वो चलने लगता है, जिसको मुंह में जवान नहीं है वो बोलने लगता है। इस तरह की चर्चा पूरे क्षेत्र में है। तो मैं नरेंद्र दाभोलकर को पकड़ के ले गया कि जरा चलते हैं देखें कि ये श्रद्धा है कि अंधश्रद्धा है। तो नरेंद्र दाभोलकर कहते हैं कि हमारी समिति में ये काम करने का नहीं है। माने अगर कोई मुसलमान के पीर पर मजार पर इस तरह का काम चले तो उनकी समिति के लिए नहीं है। ईसाई वाले कुछ करें वो उनकी समिति के लिए नहीं है, हिंदू धर्म वाले कुछ करें तो वो अंधश्रद्धा है और उसी को गाली देना, उसी के बारे में FIR कराना, उसके खिलाफ केस कराना, ये उनका मुख्य धंधा है। और ये धंधा कैसे चल रहा है? अमेरिका से आए हुए पैसे से चल रहा है। आपको कल्पना होगी कि नरेंद्र दाभोलकर की संस्था को जो पैसा अमेरिका से आता है, ऐसे ही भारत में सैकड़ों संस्थाओं को अमेरिका से पैसा आता है। और ये पैसा छोटा मोटा नहीं है,
18 से 20 हजार करोड़ रुपए हर साल आता है, 18 से 20 हजार करोड़ हर साल आता है, यूरोप से आता है, अमेरिका से आता है, और इस काम के लिए खर्च किया जाता है कि हिंदू समाज या भारतीय समाज जो कुछ करे उसको चिल्ला चिल्ला के कहो कि ये अंधश्रद्धा है, इस्लाम और ईसाइयत वाले कुछ भी करें तो वो सब श्रद्धा है। आपको मैं एक छोटी घटना सुनाता हूं कि थोड़े दिन पहले ईसाइयत का प्रचार करने के लिए एक व्यक्ति आया, बेनी हिन, आपने नाम सुना, बेनी हिन अमेरिका से आया था। भारत की सरकार ने उसको बेंगलोर में एक बड़ी सभा करने की अनुमति दी। उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे देवगौड़ा, HD देवगौड़ा, और बेनी हिन की एक दूसरी सभा करने की अनुमति मिली वो दिल्ली में, उस समय प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव ने दिल्ली में और देवेगौड़ा ने बेंगलोर में बेनी हिन के दो व्याख्यान आयोजित किए। सरकारी तंत्र ने इतना प्रचार किया बेनी हिन का, TV पर, रेडियो पर, अखबारों में, पत्रिकाओं में, विज्ञापनों में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, और हर बार एक ही बात कही गई कि बेनी हिन चमत्कारी आदमी है, जिसके सिर पर हाथ रख दे वही ठीक हो जाता है। एक अखबार में तो मैंने विज्ञापन में देखा कि बेनी हिन ईसा मसीह का दूत है, मैसेंजर है, वो जिसके शरीर पर हाथ फिरा दे उसका सब ठीक हो जाता है। अगर कैंसर है तो कैंसर ठीक हो जाएगा, ट्यूमर है तो ट्यूमर ठीक हो जाएगा, अगर पांव चल नहीं सकते हैं, अर्थराइटिस है, वो ठीक हो जाएगा। इस तरह का विज्ञापन पूरे देश में अखबारों में, टेलीविजन में, रेडियो में किए जा रहे थे और सरकार के पैसे से किए जा रहे थे। उस समय नरसिम्हा राव को मैंने एक पत्र लिखा था, मैंने उनसे कहा कि आप कहते हैं कि भारत की सरकार धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर है, तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? अगर बेनी हिन ईसाइयत का प्रचार करने आए और भारत देश में सरकार के पैसे से उसका प्रचार तंत्र चलाया जाए तो ये सेक्युलरिज्म है, और भारत का हिंदू धर्म का या भारतीयता को मानने वाला कोई शंकराचार्य कुछ काम करे तो सरकार चिल्लाने लगे कि ये सेक्युलरिज्म का उल्लंघन है। तो ये सरकार बेनी हिन के लिए चल रही है या भारत के 110 करोड़ लोगों के लिए? तो उनका उत्तर इतना ही आया कि आपका पत्र मिला, बस बात खत्म हो गई। मुख्यमंत्री देवेगौड़ा को भी इसकी एक कॉपी मैंने भेजी, देवेगौड़ा के यहां से भी इतना ही उत्तर आया, पत्र मिला। जिस दिन बेनी हिन आया दिल्ली में, उस दिन नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल के सारे मंत्री उसके सामने बैठे थे लाइन लगा के, और जब वो बेंगलोर गया तो बेंगलोर की पूरी मंत्रिमंडल, देवेगौड़ा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राजस्व मंत्री, सारे के सारे मंत्री उसके सामने बैठे थे। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि देवेगौड़ा वो सीधे बेनी हिन के पैरों में ही गिर गया, मंच पर ही उसने उसके पांव छू लिए। और जैसे हिंदू पद्धति में पांव छूने का होता है ना, साष्टांग दंडवत, देवेगौड़ा ने वही किया। उस सभा में बेनी हिन ने बोलना शुरू किया कि ईसा मसीह की शरण में जो भी मैं उस सभा में था तो वो बोल रहा है कि ईसा मसीह की शरण में जो आएगा वो सब ठीक हो जाएगा, और ईसा मसीह ने आप सबके लिए भेजा है संदेश, और ऐसे ऐसे ये सब वो बोलता गया। उसके बाद क्या हुआ कि व्याख्यान पूरा हुआ तो फिर उसने कहा कि जो लोगों को कुछ संदेश इसमें डाउट है वो प्रश्न कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले हाथ उठाया और एक प्रश्न पूछा कि मिस्टर बेनी हिन, आपके ईसा मसीह में बहुत ताकत है और आप में उससे भी ज्यादा ताकत है, आप जिसके सिर पर हाथ रख देते हैं वही ठीक हो जाता है, तो तुरंत आप अगली फ्लाइट से वेटिकन सिटी जाइए और आपका जो पोप है उसको दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है जिसको पार्किंसन कहते हैं उसके सिर पर हाथ रख दीजिए, वो तो पहले ठीक हो जाए। आपको मालूम है कि पुराना जो पोप था ना वो पार्किंसन से मरा है, उसके हाथ पर ऐसे ऐसे कांपते रहते थे, दोनों हाथ ऐसे कांपते थे, पांव ऐसे कांपते थे, सिर भी हिलना शुरू हो गया था। दुनिया भर के सभी डॉक्टर उसका इलाज करते करते थक गए,
फिर अंत में एलोपैथी के डॉक्टरों ने ये बोल दिया कि जी पार्किंसन का तो कोई इलाज ही नहीं है। तो मैंने कहा कि मिस्टर बेनेहिन, आप सबके सिर पर हाथ रख के सब बीमारी ठीक कर देते हैं, अपने पोप को क्यों नहीं ठीक कर लेते आप, जिसकी आपको जरूरत है ये ईसाइयत फैलाने के लिए। तो उसने कहा दिस इज एब्सर्ड क्वेश्चन। मैंने कहा यस, फॉर यू नॉट फॉर मी। ये एब्सर्ड क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है। तो उसमें मजा क्या आया कि सभा जो है ना ये एक ही क्वेश्चन में तितर बितर हो गई, क्योंकि लोगों को सीधे समझ में आ गया कि ये सब बोगस ढपोर शंकी आदमी है। बड़ी बड़ी बातें, लोगों को ये नहीं मालूम था कि पोप जॉन पॉल वो खुद पार्किंसन का मरीज है और उसके हाथ पैर सब हिलते हैं, वो खुद इसी से मरा है अभी थोड़े दिन पहले। मुझे मालूम था तो मैंने बोल दिया, तो लोगों के दिमाग में बैठ गया, तो वो इधर उधर हो गए, तो बेनेहिन की वो सभा डिस्टर्ब हो गई, वरना उस सभा में वो हजारों लोगों को ईसाई बनाने का तैयारी करके आया था। यही घटना मैंने नरेंद्र दाभोलकर को बताई। मैंने कहा डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, किसी गांव में कोई छोटा मोटा साधु संत कुछ करता है तो आप पूरी टीम लेके पहुंच जाते हैं। बेनेहिन घोषित रूप से आया और ये बकवास कर रहा था बेंगलोर में, दिल्ली में, आपकी टीम कहां थी उस समय, आप तो नहीं थे बेंगलोर में। मैंने तो आपका ही काम किया, अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम किया, आपसे अच्छा कार्यकर्ता तो मैं हूं अंधश्रद्धा का। तो नरेंद्र दाभोलकर उसका कोई जवाब नहीं देते। मैं आपके ध्यान में लाना यह चाहता हूं कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम की संस्था एक तरफा काम करती है, भारतीय समाज और हिंदुओं के साधु संतों के पीछे डंडा लेके घूमते रहते हैं, ईसाइयत और इस्लाम को मानने वाले जितनी अंधश्रद्धा फैला रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहते। मैंने उनसे ऐसी बहुत लंबी चर्चाएं की हैं, तो फिर वो बौखला जाते हैं और थोड़े नाराज हो जाते हैं, तो फिर मैं उनको बड़े प्रेम से कहता हूं कि ये आपकी बौखलाहट इसलिए है कि पैसा अमेरिका से आ रहा है। जिस दिन आप अमेरिका से पैसा लेना बंद कर देंगे और भारत के पैसे से भारत की अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम शुरू करेंगे, उस दिन आपको बौखलाहट नहीं आएगी, क्योंकि मुझे नहीं आती। तो हमारे सबके ध्यान में लाने के लिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति कैसी संस्था है। अब ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति पिछले 15-20 सालों से महाराष्ट्र में लगी हुई है इस काम के लिए कि किसी तरह एक कानून बने और उस कानून के आधार पर ये काम महाराष्ट्र में चले। मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई नई सरकार महाराष्ट्र में आती है, नरेंद्र दाभोलकर और उनके मित्र वहां पहुंच जाते हैं। उनके साथ एक व्यक्ति और जुड़ गए हैं, श्याम मानव। तो एक श्याम मानव और एक नरेंद्र दाभोलकर, ये दोनों मिलकर हर नई सरकार के पास जाते हैं और उनके सामने यही दुखड़ा रोना शुरू कर देते हैं कि भारत समाज में बहुत अंधश्रद्धा है, इसको मिटाना ही चाहिए और भारत को वैज्ञानिक बनाना चाहिए, इसके लिए कानून की जरूरत है। ये वो पिछले 20 साल से रोना गाना कर रहे हैं, हर नए मुख्यमंत्री हर नई सरकार के पास जाना, और हर बार उनको कुछ ना कुछ बहाना मिल जाता है मुख्यमंत्रियों को कि नहीं कर सकते, ऐसा है वैसा है। अभी उन्होंने ये बिलासराव देशमुख और आरआर पाटिल की सरकार में यही पिछले 2-3 सालों से किया हुआ है और दुर्भाग्य से दोनों ने उनको हां बोल दिया है कि हम बहुत जल्दी ये कानून पास कर देंगे। तो अब आप जानते हैं हुआ क्या कि आरआर पाटिल और बिलासराव देशमुख को तो समझ में नहीं आता, तो उन्होंने नरेंद्र दाभोलकर को कहा कि अच्छा ऐसा करिए आप ही ड्राफ्ट बना के दे दीजिए, हम उसी को कानून बना देंगे। और दुर्भाग्य हम सबका यह है कि हम जो अपने को हिंदू मानते हैं, हमारी तरफ से अभी तक आरआर पाटिल और बिलासराव देशमुख को कोई नहीं मिला। तो वो क्या मानते हैं बिलासराव देशमुख और आरआर पाटिल, वो ये मानते हैं कि अच्छा हिंदू समाज इसके लिए तैयार है। तो उन्होंने ड्राफ्टिंग करवा लिया नरेंद्र दाभोलकर और उनसे, अब उसको कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने प्रावधान के रूप में डाली हैं कि थोड़े दिन के बाद आपको अंदाजा लगेगा जब ये कानून बन जाएगा कि क्या तकलीफ आने वाली है। इसमें सबसे बड़ी तकलीफ आने वाली है भारत के उन साधु संतों को जो गांव-गांव विचरण करते हैं और लोगों को कुछ धर्म के बारे में सिखाते रहते हैं या बताते रहते हैं या कुछ ज्ञान देते रहते हैं।
उनका अपनी आजीविका भिक्षा पर चलती है। इस अंधश्रद्धा निर्मूलन में सबसे खतरनाक जो प्रावधान है वो ये कि इस कानून के बाद महाराष्ट्र राज्य की सीमा में कोई भी साधु संत अगर भिक्षा मांगेगा तो उसको भिखारी माना जाएगा, और जैसे भिखारियों के प्रति पुलिस का व्यवहार है वही साधु संतों के लिए किया जाएगा। आप जानते हैं महाराष्ट्र में कई स्थानों पर यह कानून है कि आप भीख नहीं मांग सकते, हवाई अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर आप भीख मांगेंगे पुलिस आपको जेल में बंद कर देगी। तो हमारे यहां ये जो हजारों साधु संत अब गांव गांव घूमते भीख मांगते अपना जीवन चलाते हैं भिक्षा के आधार पर, वो अब अंधश्रद्धा होगा इस कानून के हिसाब से। आरआर पाटिल और बिलासराव देशमुख को तो कुछ खास अकल नहीं है, ये मैं आपको अभी कहता हूं और पब्लिकली भी कह सकता हूं, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तकलीफ ये है कि ये जो विदेशी पैसे पर काम करने वाली संस्थाएं हैं उनके दिमाग में भिक्षावृत्ति और भिखारीपन, इन दोनों का अंतर ही नहीं है। हमारे यहां भिक्षावृत्ति सबसे ऊंचा कर्म है, सबसे ऊंचा कर्म है। जब आप अपने जीवन में सब कुछ छोड़ देते हैं और भिक्षा पर आधारित जीवन चलाने लगते हैं तो यह सबसे ऊंची अवस्था मानी जाती है इस देश में। आप में से अगर कोई जैन समाज के हो तो आपको ये बात तुरंत समझ में आ जाएगी। जैन समाज में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, आदिनाथ स्वामी से लेकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी तक, इन्होंने जिंदगी में सब कुछ छोड़ दिया, वस्त्र भी छोड़ दिए, और तब माना गया कि वो सबसे ऊंचे उठे। और जब सब कुछ छोड़ दिया तो अपना जीवन चलाने के लिए उनको भिक्षा चाहिए और भिक्षा पर ही अपना पूरा जीवन उनको बिताना है। तो 24 के 24 तीर्थांकर पूरे समय भिक्षा पर जीवन बिताते रहे। अब उसी जैन समाज के जो आदर्श साधु संत हैं वो उसी रास्ते पर चलते हैं और उनका पूरा जीवन भिक्षा पर ही चलता है। तो इस कानून के बनते ही सबसे पहली मार पड़ेगी वो जैन समाज के साधु संतों पर, क्योंकि वो जहां भी भिक्षा मांगने जाएंगे पुलिस चाहे तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है। फिर क्या होगा? बवाल होगा, थोड़ा बवाल होगा तो मुख्यमंत्री कहेगा कि अच्छा चलो इसमें संशोधन करें। तो संशोधन की उनकी तैयारी क्या है कि सरकार हर एक साधु संत को एक सर्टिफिकेट देगी, अगर आपके पास सरकारी सर्टिफिकेट है तो भिक्षा मांग सकते हैं, नहीं है तो जेल जा सकते हैं। मूर्खों के मूर्ख इस देश में शासन कर रहे हैं। माने साधु संतों को सरकार एक सर्टिफिकेट देगी, जैसे ये हमारे गले में लटका हुआ है ना, ऐसा ही साधु संतों को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो आप ऑफिशियली रजिस्टर्ड भिक्षा मांगने के अधिकारी हैं, ये उसमें संशोधन आ जाएगा और वो संशोधन तैयार रखा है उनका। ये उनको मालूम है कि कानून पारित होते ही जैन समाज बवंडर करेगा इस पे, और जैन समाज की ताकत इतनी बड़ी है कि महाराष्ट्र सरकार को 50% टैक्स जैन समाज से ही मिलता है और पूरे हिंदुस्तान की सरकार को 52% इनकम टैक्स जैन समाज से मिलता है। पूरे हिंदुस्तान की सरकार को 52% इनकम टैक्स जैन समाज देता है, महाराष्ट्र सरकार को 50% टैक्स जैन समाज देता है। सरकार को अंदाजा है कि ये कानून घोषित होते ही जैसे ही लागू होगा तो जैन समाज तो तिल मिलाने वाला है। तो संशोधन क्या करना है कि एक एक सर्टिफिकेट दिलवा देंगे सरकार की तरफ से कि ये रजिस्टर्ड है सरकार के पास, इसलिए ये भीख मांग सकते हैं, बाकी सब अनरजिस्टर्ड है। ऐसी मूर्खता का कानून है अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून। दूसरा, अगर आप किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं और वो आपके दुख दर्द दूर करने की थोड़ी भी मदद करता है तो ये अंधश्रद्धा है। आप मोहन महाराज के पास आए और कहा महाराज मुझे पेट में दर्द होता है, मोहन महाराज ने आपको कुछ बता दिया कि ऐसा करो त्रिफला चूर्ण खा लो, नहीं तो जीरे का पानी पी लो, या कुछ बता दिया, तो ये अब अंधश्रद्धा हो जाएगी इस कानून के बाद।
क्यों? इसलिए कि मोहन महाराज कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं है, तो ये बता नहीं सकते, बताएंगे तो अंधश्रद्धा हो जाएगी, तो मोहन महाराज को भी जेल और वो पूछने वाले को भी जेल। ये दूसरा प्रोविजन है। तो अब आप अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून आने के बाद किसी साधु संत के पास जाके गलती से भी मत पूछ लेना कि महाराज मेरी ये समस्या का समाधान क्या। आपको पूछना है उसी व्यक्ति से जिसको लाइसेंस है सरकार का कि भले वो आपकी गर्दन काट ले, फिर भी पूछिए उसी को जाके, क्योंकि वो MBBS MD डॉक्टर है और उसको रजिस्टर्ड लाइसेंस है कत्ल करने का या किसी की जान ले लेने का। कल मुझे अतुल भाई ने बताया कि यहां एक गेटवेल नाम का हॉस्पिटल है, वहां कोई डॉक्टर चांडक है, उसने मरे हुए आदमी पे ऑपरेशन कर डाला था, मरे हुए आदमी पे ऑपरेशन कर लिया सिर्फ पैसे के लालच। वो तो जिनके घर का आदमी मरा वो थोड़े होशियार थे, चालाक थे, तो डॉक्टर को पकड़ लिया और 14 लाख में उन्होंने सेटलमेंट कर लिया, नहीं तो डॉक्टर चांडक को जेल होने वाली थी। तो ये धंधा करने वाले MBBS MD डॉक्टर चलेंगे, अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून उनको सर्टिफिकेट देता है, मोहन महाराज नहीं चलेंगे या कोई साधु संत नहीं चलेगा इस काम के लिए। अंधश्रद्धा निर्मूलन का कानून अगर सख्ती से लागू किया जाए तो हर मंदिर के बाहर पुलिस खड़ी रहेगी। आप मंदिर में आए और यहां आपने प्रसाद लिया तो वो अंधश्रद्धा है। ऐसी ऐसी धाराओं के साथ ये कानून बनाया जा रहा है। अभी पास नहीं हुआ है, असेंबली में आया है, बहस की होने के बाद उस पर पास करने की तैयारी है। ये सब क्यों हो रहा है समझने की बात है। सरकार तो मुख्यमंत्री देशमुख हो या RR पाटिल, या ये अभी चला जाए कोई दूसरा मुख्यमंत्री हो या दूसरा उप मुख्यमंत्री, सरकार तो निमित्त मात्र है। ये कानून भारत में आए इसके लिए अमेरिका का आदेश है। अमेरिका को क्या समस्या है भाई? अमेरिका को सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत के समाज को अमेरिकी बनाना है, उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ये मंदिर है। उनको मालूम है कि भारत के लोगों को अमेरिकी बनाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है मंदिर, और फिर उसके साधु संत जो गांव गांव घूम रहे हैं मुफ्त में काम कर रहे हैं। इस देश में आपको मालूम है 23,80,000 साधु संत हैं, 23,80,000 से ज्यादा हैं, और ये सब बिना सरकार के कहने पर गांव गांव घूमते रहते हैं, किसी को व्यसन मुक्त कराते रहते हैं, शराबबंदी कराते रहते हैं, मांस खाना छुड़वाते रहते हैं, अंडा मत खाओ ये बताते रहते हैं, भगवान की पूजा करो, धर्म ध्यान करो ये समझाते रहते हैं। तो ये जो साधु संत हैं 23,80,000, ये बहुत बड़े प्रचारक हैं भारतीयता के और भारतीय संस्कृति के। अमेरिका को ये नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक ये भारत में रहेंगे अमेरिका सफल नहीं होने वाला। अमेरिका का टारगेट क्या है? वही जो अंग्रेजों का था। अंग्रेजों का लक्ष्य क्या था? संपूर्ण भारत देश को ईसाई बनाना, ये अंग्रेजों का लक्ष्य था, और इस लक्ष्य के लिए उन्होंने संसद में प्रस्ताव पारित किया था। 23 जून 1813 को अंग्रेजों की संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि भारत को पूरी तरह से ईसाई बनाना है, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, व्यापार और धंधा करना इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। और ये प्रस्ताव अंग्रेजों की संसद में पारित हुआ, किसी चर्च में नहीं, ध्यान दीजिए इस बात को। अगर ये प्रस्ताव किसी चर्च में होता तो मेरे जैसे आदमी के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन अंग्रेजों की संसद ने प्रस्ताव पारित किया कि संपूर्ण भारत को ईसाई बनाना है, वही मुख्य उद्देश्य है, व्यापार करना तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। व्यापार करेंगे तो पैसा आएगा, उस पैसे से भारत को ईसाई बनाएंगे, तो मुख्य काम ईसाई बनाना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में व्यापार करने आई थी, ये अभी कहना आप बंद कर दीजिए,
ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश को ईसाई बनाने आई थी, ये कहना भी महत्वपूर्ण।